जाइए बजाइए बजाइए मिला मत नहीं इसको बेटा। हाँ ये जो पीले रंग की बिल्डिंग है इसमें कौन रहता है? एक एक रुपए के सिक्के। पीली बिल्डिंग में कौन रहता है? एक एक रुपए के सिक्के। और जो दहाई वाली बिल्डिंग है इसमें दस दस के नोट रहते। क्या रहते? दस के नोट रहते। देखो तुमको मैं बता रहा हूँ यहाँ कितने रुपए? एक रुपए। यहाँ कितने रुपए? दो रुपए। कितने रुपए? यहाँ कितने रुपए? दो रुपए के तीन सिक्के। कितने सिक्के? तीन सिक्के। यहाँ कितने सिक्के? चार सिक्के। यहाँ कितने सिक्के? पांच सिक्के। यहाँ कितने सिक्के? छह। यहाँ कितने सिक्के? यहाँ कितने सिक्के? एक सिक्का। अब ये दहाई की यहाँ पर नोट रहते। क्या रहते? नोट रहते। देखो सबसे पहले वाले पर दस के कितने नोट है? कितने नोट है? एक नोट है। यहाँ कितने नोट है? दस की नोट है। कितने नोट है? दस की नोट है। यहाँ पर भी दस की एक नोट है। यहाँ पर भी दस की एक नोट है। यहाँ पर भी दस की नोट है। यहाँ पर भी दस की। मतलब हर घर में एक एक दस की नोट है। सब घर में दस की नोट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दहाई की बिल्डिंग है। कैसी बिल्डिंग है? दहाई की। अब हम इसको पढ़ना है। हम क्या करना है? इसको पढ़ना है। ये तो दस रुपए हमको मालूम है। ये कितने रुपए हमको मालूम है? एक रुपए। इसका मतलब दस की नोट और एक रुपया। मतलब दस और एक ग्यारह। ये हुआ ग्यारह हमारा। उसके बाद दस रुपए और दो रुपए। फिर दस रुपए और तीन रुपए। तेरह रुपए हो गया। फिर दस रुपए और चार रुपए चौदह रुपए हो गया। फिर दस रुपए पंद्रह रुपए हो गया। फिर दस रुपए और छह रुपए सोलह रुपए हो गया। फिर दस रुपए और पांच पेज के अंदर आता था। समझ में आया? किसको किसको समझ में आया? तो बोलो चलो आगे चलो। अब मैंने नोट और सिक्के बनाया था। अब मैं बनाऊंगा नहीं बल्कि उसके अंदर लिखूंगा तो तुमको पहचानना है। लेकिन कौन पहचानता है कैसे सही से? बस ये याद रखना पीली बिल्डिंग किसकी है? हाँ रुपए रुपए सिक्कों की। और नीली बिल्डिंग किसकी है? दस की नोटों की। दस की नोटों की बिल्डिंग है वो। अच्छा अब देखो ये घर में दस के नोट कितने हैं? मतलब कितने रुपए? कितने रुपए? दस। कितने रुपए? दस रुपए है। अब यहाँ पर कितने रुपए हैं? कितने रुपए ये? दो रुपए। बीस है क्यों? क्योंकि दस का करा है तो यहाँ दस दस के दो नोट है। कितने नोट है? बीस। फिर दस दस की यहाँ पर तीन नोट है। कितने रुपए? तीस रुपए। फिर यहाँ दस दस की चार नोट है। चालीस। कितने हुए? फिर यहाँ दस दस के पांच नोट है। पचास रुपए। फिर यहाँ पर दस दस की छह नोट है। फिर यहाँ दस दस के सात नोट है। यहाँ सात लिखा हुआ है लेकिन हम सत्तर पढ़ रहे हैं। क्यों सत्तर पढ़ रहे? क्योंकि ये दस दस का घर है ना। दस के दहाई के बंडल है। दहाई के साथ है इसलिए सत्तर पढ़ेंगे। समझ में आया? तब तालियां बजाओ। अब यहाँ दस के कितने रुपए? मतलब कितने रुपए? दस। दस रुपए। फिर यहाँ कितने रुपए? रे दस रुपए। दस नहीं नहीं बस इसको पढ़ना है। ये दस सब दस दस के है ना। इसको मतलब दहाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक दहाई।
daiye 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 सबको एक दहाई बोलेंगे क्योंकि दस का एक नोट आना तो एक दहाई बोलेंगे। अब इकाई में आते हैं हम, अब फुरकान, अब हम आते हैं इकाई में जो सिक्के जहां पर रहते हैं। यहां पर कितने सिक्के हैं? एक सिक्का है तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक दस का नोट और एक रुपया, यानी एक दहाई एक इकाई ग्यारह। क्या बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे एक दहाई एक इकाई ग्यारह, फिर एक दहाई दो इकाई बारह। पहले दहाई लिखना है हमेशा, पहले दहाई लिखना उसके बाद हाँ चिल्लर पैसे लिखना, दो दो रुपये दो सिक्के, तीन रुपये दो सिक्के। फिर एक यहाँ पर लिखिए तीन, एक दहाई एक दहाई तीन दहाई, यहाँ पर चार लिखिए पढ़ना कैसे? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आप बोलना।